क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को जहां कांग्रेस के सरकारों या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं, इस बात को आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी, और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं, ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही, ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? बेसहारा मजदूर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप उनके आत्म सम्मान और आजीविका को रोंदे जा रहे हैं। निर्मला जी, आदरणीय मोदी जी, क्या मजदूर की बेबसी अब आपको ड्रामेबाजी लगती है? सैकड़ों हजारों किलोमीटर पांव में छाले लिए नंगे पांव टूटी हवाई चप्पल के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? भूखे प्यासे बगैर रोटी और दवाई के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? पीठ पर सामान उठाए, पेट पर बच्चा उठाए चलने वाला मजदूर हमारे भाई और बहन अब आपको ड्रामेबाज लगते हैं? 135 जिंदगियां मजदूरों की ली ली गई, परंतु ये आपको ड्रामेबाज लगते हैं? देश के मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों का अपमान मत कीजिए, ये घोर अपमान है, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। संवेदनहीन, सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे, अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। हम मोदी जी की तरह ड्रामेबाज नहीं, जो जब वोट चाहिए हो तो मजदूरों के पांव धोते हैं,